माइनस 20 सेकेंड्स, माइनस 15 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का, और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है. सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए. Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की. अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चढ़ा है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर. The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fintip actuation for the passive roll control. इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा. इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है. Altitude of close to 68 kilometers in 100 in स्नोदक है, और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. Separated from the ongoing launch vehicle, SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है. तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है. SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है. उसके साथ ही SS2 S3 कोस्टिंग फेज जारी है. यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा. व्हीकल इज इन कंबाइंड होस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इज नॉर्मल. द सेकंड स्टेज SS2 हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन. प्रतिबिंबों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है. सेकंड स्टेज सेपरेटेड को यान से पृथक कर दिया गया है. थर्ड स्टेज इग्नाइटेड, और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है. वी जस्ट नाउ हैव हैड कंफर्मेशन फ्रॉम द रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर दैट द सेकंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड एंड द थर्ड स्टेज हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन. इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा. ड्यूरिंग द तृतीय चरण का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है. अब इसके बाद SS3 की कोस्टिंग फेज शुरू हो गई है. व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल. द नेक्स्ट कोस्टिंग फेज इज करेंटली ऑपरेशनल. Astrometry payload aids in remote sensing to derive applications like ocean surface winds, soil moisture, cryosphere applications over Himalayan regions, flood detection, inland water body detection, etc. While India is preparing to send its first human mission to space in indigenously developed crew module as a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS-08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of crew module. The satellite EOS-08 is significant also for a host of new technologies. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है. Velocity trimming module ignited. आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तृतीय स्टेज का प्रतिकन, और यह अंत में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है जिसे 12 मिनट्स
उपग्रह को उचित अभिवृत्ति प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है यान अब उपग्रह EOS 8 को कुछ ही समय पर उद्देश्य कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS 8 को सफलतापूर्वक 475 किलोमीटर की सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite EOS 08 has been injected into the 475 किलोमीटर altitude. अभी श्रृंखला में अगली गतिविधि होगी DS